हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो में हम कुछ उन क्वेश्चंस के आंसर्स देने वाले हैं जो यहाँ पर हमारे चैनल पर स्टूडेंट्स ने कमेंट करके पूछे हैं। तो मैं एक बार फिर से कह दूँ आपसे, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। इट विल हेल्प यू थ्रू आउट योर जर्नी ऑफ ग्रेजुएशन फ्रॉम होलकर साइंस कॉलेज। तो देखते हैं, हम उनके आंसर्स लेते जाते हैं साथ में। तो यहाँ ये क्वेश्चन है कि बीएससी सीबीजेड है बट मुझे माइक्रोबायोलॉजी लेना है, तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, फीस भी आपकी जो है, फीस डिपेंड करेगी आपके सब्जेक्ट्स पे, ठीक है? तो आप उसको देख लो एक बार। दूसरी चीज, वेरिफिकेशंस अभी शुरू हो चुके हैं तो आपको वेरिफिकेशन तो करवाना है। बहुत सारे बच्चों ने ये भी क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पर मैं दोनों आंसर दे दूँ कि आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, बट अभी सब्जेक्ट चेंज के लिए अभी कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि एक और सीएलसी का राउंड स्टार्ट हो गया है। तो जब तक एडमिशंस कंप्लीट नहीं होंगे, तब तक की आपकी सब्जेक्ट चेंज की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है? तो जैसे ही एडमिशंस कंप्लीट होंगे, उसके बाद में जितने स्टूडेंट्स एडमिटेड हो जाएंगे, फिर उनके लिए वापस से एक बार ये प्रोसेस अवेलेबल करवाई जाएगी कि वो अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं या नहीं। एंड देन ये भी देखा जाएगा कि उस सब्जेक्ट में अगर सीट्स अवेलेबल होंगी तो आपको डेफिनेटली आपका जो कोर्स है बीएससी टू बीसीए या बीसीए टू बीएससी, वो भी, और जो आप सब्जेक्ट चूज करना चाह रहे हैं वो भी आपका चेंज होने की पॉसिबिलिटीज रहेंगी आपके पास में, ठीक है? तो आपका, हाँ, फीस में जो चेंजेस आएंगे वो आपको देखना पड़ेंगे फिर। तो जो आपकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट रहेगी वो फिर आप उसके करेस्पॉन्डिंग करेंगे, या जो भी होगा डिफरेंस अमाउंट, आप कॉलेज में जो ऑफिस है उसमें भी एक बार कंफर्म कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि नया वाला टाइम टेबल समझा दीजिए प्लीज। डेफिनेटली हम इसको भी लेके आएंगे, इस पर भी एक वीडियो। और फिर एक क्वेश्चन था कि बायोटेक फर्स्ट सेम का सिलेबस, तो ये आपको सिलेबस मिलेगा वेबसाइट पे, ठीक है? वेबसाइट पे आप जाएंगे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के स्लॉट में, और वहां पर आप सिलेबस में जब जाएंगे तो आपको यहाँ पर सारा सिलेबस मिलेगा। अगर आपका मेजर है तो भी, माइनर, ओपन इलेक्टिव, सारे जो हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर्स आपको खुल जाएंगे। लगेगा तो हम एक दो दिन में उस पर भी एक वीडियो जरूर बना देंगे। अगेन यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज का पूछा है, इसको मैंने आंसर कर दिया है। आप एक जो क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट था वो था टीसी माइग्रेशन का, ठीक है? तो टीसी और माइग्रेशन जो है, होलकर से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको यहाँ पर ही एक विंडो मिलती है प्रिंसिपल ऑफिस के पीछे, तो वहां पर आपको फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं, वो आपको फिल करके सबमिट करना है विथ नो ड्यूज, ठीक है? तो नो ड्यूज आपको करवाना रहता है। दैट मीन्स कि आपका कहीं लाइब्रेरी से या कोई फीस वगैरह कोई भी ड्यूज नहीं है। एंड देन आपको फिर वहां पर से वो आपको टाइम दे देते हैं कि कितने दिनों में आपको आके अपना कलेक्ट करना है टीसी माइग्रेशन। बट यहाँ पर एक वेरिएशन है इन केस ऑफ डिग्री, कि जब आपको डिग्री लेनी है तो डिग्री मिलती है आपको डीएवीवी आरएनटी मार्क पर जो है वहां पर, तो वहां आपको अप्लाई करना होता है और फिर डिग्री बाय पोस्ट आती है, ठीक है? उसकी पूरी प्रोसेस आपको वहां जाने पर अच्छे से समझा देंगे वो। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाना रहेंगे, ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट्स की फोटोकॉपीज, और वहां से एक फॉर्म मिलता है एंड आई थिंक कुछ चालान भी आपको पे करना होता है। तो वो आप जब देते हैं उनको तो फिर आपको वो बता देते हैं कि भैया ठीक है, सबमिट हो गया है, एंड देन आपकी डिग्री वहां से आएगी, ठीक है? आई होप ये आंसर्स जो है ये आपके लिए हेल्पफुल रह रहे हो। उसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएंगे। ऑल दो ये क्वेश्चन 13 आवर्स पहले, मतलब कल पूछा गया था, तो मैं इसका भी आंसर कर दूं आपको कि यस, आज से मतलब 22 अगस्त से तो डेफिनेटली स्टार्ट हो ही चुके हैं सब जगह वेरिफिकेशन, ठीक है? तो अच्छा, एक बात और कि अभी वेरिफिकेशन की लास्ट डेट आई नहीं है हालांकि, बट लास्ट डे रश से बचने के लिए काफी सारे लोग आना स्टार्ट हो गए हैं। तो यदि आपके पास में भी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटली अवेलेबल हैं और आप इंदौर में अवेलेबल हो तो आप आ सकते हो। इन केस यदि आप जन्माष्टमी वगैरह तक के लिए अपने घरों पर रुके हुए हो तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी एक और राउंड चल रहा है एडमिशन का, तो डेफिनेटली वाले बच्चों के लिए भी जो है वेरिफिकेशन का टाइम मिलेगा ही उनको। तो आप ये मान के चल सकते हो कि आप जन्माष्टमी के बाद भी आएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आना है ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में सारा कुछ शेयर किया है, वो आप जरूर करें, ठीक है? और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और देना चाहती हूँ मैं यहाँ पर, कि यदि आपने कभी गैप लिया था 1 साल या 2 साल का, ठीक है, मान लो पिछला साल आपका ब्रेक में था, उसमें आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और आपने कहीं एडमिशन नहीं लिया था एंड अब आप ग्रेजुएशन करना चाह रहे हो, तो आपको अपना एक एफिडेविट बनवाना चाहिए, ठीक है? जिसको हम गैप सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, जो बन जाता है आपका कलेक्ट्रेट में या फिर कोर्ट में भी बन जाता है स्टाम्प पे।
तो उसको बनवा के आप सबमिट करें अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में, ठीक है? क्योंकि कई बार ये बोला जाता है कॉलेज की तरफ से कि आपको गैप सर्टिफिकेट देना है, ठीक? तो ये था आई थिंक आज तक के जितने क्वेश्चंस जो बहुत ज्यादा पूछे जा रहे थे उसके आंसर्स। और यहाँ पर जो है कॉलेज वेबसाइट पे स्टूडेंट कॉर्नर में सेक्शन ओपन करते टाइम लॉग इन मांग रहा है, तो ये भी इसका भी आंसर कर दूं मैं कि जब आप कॉलेज में रजिस्टर हो ही जाएंगे, अभी एडमिशन की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, तो आपका एक स्टूडेंट पोर्टल के लिए लॉगिन आईडी आपको मिलेगा कॉलेज की तरफ से, ठीक है? तो उसके थ्रू आप अपने जो भी रिजल्ट्स आएंगे उसको भी देख पाएंगे आगे चल के। तो अभी आप इसकी बिल्कुल टेंशन मत लो अभी, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस चल ही रही है। एक बार सारे बच्चे इन हो जाएं जितने भी एडमिशन हुए हैं वो, एंड देन फिर आपकी ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो बिफोर आपकी एग्जाम्स आपका एक स्टूडेंट आईडी बन चुका होगा, ठीक है? तो आपके ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इजीली रिजोल्व हो जाएंगे, और आपको अपने आने वाले सारे सेमेस्टर्स की जो मार्कशीट्स रहेंगी वो उसी पर दिखेगी अपने स्टूडेंट पोर्टल पर, ठीक है? और सेक्शंस भी अलॉट हो जाएंगे आफ्टर एडमिशंस। तो अभी आप अपनी क्लासेस अटेंड करो, और डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं, आप इंदौर में अवेलेबल हैं, तो डेफिनेटली आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कीजिए, ठीक है? तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।